सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन। हाँ भाई, रिएक्शन लेके आ गया हूँ दोबारा से। मैं मतलब डेली नहीं लेके आऊँगा, जैसे कि आप लोग जानते हो चैनल पे हो चुके हैं 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट। एंड थैंक यू गाइस, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो चैनल को कि 30,000 सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं और अभी हमें जाना है 50K पे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि यार देखो, जब स्टार्ट किया था चैनल तो व्लॉग से स्टार्ट किया था, अभी भी व्लॉगिंग करी ने तो बीच में रिएक्शन लाए थे। तो 30,000 पे मुझे पता है आप लोग कौन सी वीडियो का वेट कर रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी वो वीडियो भी आने वाली है जिसका तुम लोग वेट कर रहे हो, कमेंट करते रहते हो। तो टेंशन मतलब, वो तुम लोगों से बोला था या तो 10,000 व्यूज़ या 30,000 सब्सक्राइबर, दोनों चीज़ कंप्लीट हो गई, इवन ज़्यादा ही हो गई। तो भाई वो वीडियो तो देखो लानी है, तो भाई उसकी तैयारी हो चुकी है, वो जल्दी वीडियो आ जाएगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और जिस वीडियो को तुम लोग समझ रहे हो। तो अभी एक काम करते हैं, आप लोग जानते हो कि व्लॉगिंग से पहले मैं रिएक्शन देता था, आंचल भी देती थी, मैं भी देता था। तो 30,000 हो गए तो भाई रिएक्शन लाना बनता है, तो आज आज रिएक्शन लेके आए हैं हम। आज रिएक्शन से काम चलाना, बहुत जल्दी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी जो आप चाह रहे हो इतने दिन से। लेकिन जैसे कि अभी यार आप लोग जानते हो, एक मूवी बहुत ज़्यादा चली है और काफ़ी अच्छी मूवी भी है, मैं झुकेगा नहीं साला, पुष्पराज। तो ठीक है, तो भाई आप सब जानते हो उसमें जो एक्टिंग करी है अल्लू अर्जुन ने, भाई वो एक नंबर एक्शन, उसमें एक नंबर एक्टिंग, सब कुछ रोमांस सब कुछ डाल दिया है। और डांस तो भाई तुम लोग जानते हो, भाई क्या जहरी, समझ जाओ तुम लोग, इतने तो समझदार तुम हो, मूव्स देख के पता लगा लेते भाई कौन कैसे डांस करता है। तो बहुत सारे लोग सलमान खान को साइड में रख के भाई कंपेयर करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं भी नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे लोग करते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोज में देखा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल आज एक काम करते हैं, आज जो मैं रिएक्शन लेके आऊँगा, आज देखो वैसे मैं राउंड टू हेल पे ही लेके आता हूँ रिएक्शन, लेकिन आज ना तो राउंड टू हेल का है, किसी यूट्यूबर का रिएक्शन है ही नहीं, आज ना पुष्पा मूवी का भी रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन जो मैं लेके आया हूँ वो किसी चीज़ का लेके आया हूँ, तो भाई रिएक्शन लेके आया हूँ मैं अल्लू अर्जुन के बेस्ट बूम फाइट सीन। तो भाई जितने भी अभी तक मूवी है उसमें जो बेस्ट फाइट सीन है हिंदी में, उसका मैं रिएक्शन लेके आया हूँ। तो अभी एक काम करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं कि किस तरह का ये रिएक्शन आपको लगा मुझे बताना, और क्या वीडियो में मुझे लगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो, उसके बाद करेंगे बाकी की बात। अरे भाई ये तो हुआ है, भाई सारा एंट्री देख रहे हो, एंट्री देख रहे हो भाई, घोड़े भगा दिए सारे, वाओ। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। ये ट्राइसेप्स, भाई साहब वाह, आज ईयरफोन नहीं है गाइस मेरे पास। अरे बाप रे, गए काम से, अब इनका क्या होगा? अब इनका क्या होगा, मुझे लगा इनका क्या होगा, पंप हो गई बॉडी, भाई साहब घूसा लगने वाला बहुत कड़ा। और रुक गया भाई, रुक गया, अजान लग गई, रुक गया।
अबे तू रुक ही नहीं रहे। भाई एक रुक गया, वो नहीं रुक रहे, कितने सारे वैसे हैं। जान खत्म, फाइट स्टार्ट। अजान के रुकते ही घुसा स्टार्ट हो गया दोबारा बजना। आय है पिट गया तो। क्या तू खुद को बचा पाए? क्या खुद को पिटने से रोक पाए? तूने जो पाप किए हैं उसका बिल तुझे ही भरना होगा। दर्द और जख्म नाम या बैकग्राउंड के मोहताज नहीं होते। हर नाइंसाफी का मुंह तोड़ जवाब दूंगा और जो कानून तोड़ेगा उसे तो मैं। बिल्कुल मत घबराइए, ओके बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? कुछ नहीं हुआ। लगी भी होगी तो तुम कहाँ मुझे बताओ? मुझे कुछ हो सकता है क्या चाचू? वाह भाई, एक नंबर का जब भाई। आज जिम जिस जिस मतलब जहाँ हम वर्कआउट करते हैं जिन चीज़ों से, भाई वो यहाँ लग रही हैं, यहाँ लग रही हैं, यहाँ लग रही हैं। मैं इसमें तबाही मचा दी। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने उठाई है गाइस, ये गोल्ड माइंस मूवीज़ करके एक चैनल है, वहाँ से मैंने ये वीडियो ली है। और अगर आप चाह सकते हो तो मैंने ओरिजिनल वीडियो का लिंक दे दिया है, जो ये वीडियो यहाँ पे चल रही है, आपकी स्क्रीन पे चल रही थी, तो आप जाके चेक भी कर सकते हो वहाँ पे अगर आपका मन है तो। बाकी कमेंट करके बताओ आपको ये रिएक्शन कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। वीडियो तो ऑब्वियसली अच्छी लगी होगी क्योंकि यार अल्लू अर्जुन की। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करी कि यार जब हमने पुष्पा देखी थी तो पुष्पा में बॉडी जो थी वो ऐसी नहीं दिखाई थी जैसे इसमें दिखाई गई है। इसमें मेरे को और ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं भाई। तो भाई जब हमने पुष्पराज देखी थी तो पुष्पा में भाई जो मतलब बहुत सारे सीन्स ऐसे आए थे जहाँ पे भाई ये हिस्सा भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ठीक है, सैंडो आ रखा है, तो वहाँ पे इतनी खास कोई बॉडी दिखाई नहीं थी। लेकिन इसमें देख रहे हो क्या ट्राइसेप्स निकल रहे हैं भाई साहब, क्या पर्सनैलिटी है, एक नंबर मज़ा आ गया ये वाली वीडियो देखने में। और बहुत सारे लोग तो देखो अगर वहाँ पे नाम ना लिखे ना कि यहाँ पे पुष्पा में अर्जुन अल्लू अर्जुन नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग पहचानेंगे नहीं। वो दाढ़ी, वो मतलब पूरा ना लुक पूरा चेंज कर रखा था उस मूवी में। हालांकि बात इस मूवी के एक्शन सीन की चल रही है, लेकिन मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि भाई वो इतनी मस्त मूवी लगी है कि बार बार दिल कर रहा है उसी मूवी का बार बार बोलने का ना, ऐसे भाई साहब मैं झुकेगा ना यार। यार मतलब एक अलग ही स्टाइल है यार अल्लू अर्जुन का ना। कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को कैसी लगी। हालांकि मैं ज़्यादा साउथ साइड की जो मूवीज़ होती है उन पर रिएक्शन लेके आता नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ही देख लेता हूँ और मैं इन्जॉय भी करता हूँ, काफ़ी मज़ा आता है इन लोगों की मूवी देखने में ना। और एक्टिंग भाई देखो मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी आप कोई सजेशन दो मेरे को कि भाई कोई सी मूवी अगर अच्छी है तो मैं उसको देखूँगा। अदरवाइज मैंने जो भी मूवी देखी है, बाहुबली, ठीक है, और तुम्हारा जो मेरी फेवरेट है, पर्सनल फेवरेट है, KGF रॉकी, यश भाई अल्टीमेट, और बाकी यार पुष्पराज देखी है। इनसे ज़्यादा मूवी मैंने कोई साउथ देखी नहीं है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। और कभी कभार जैसे मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे हूँ या फिर कहीं हूँ तो बहुत सारे लोग होते हैं, फ़ैन होते हैं, देखते हैं, तो मैं उनके साथ कोई छोटी मोटी मतलब आधे घंटे के लिए देख लेता हूँ कोई मूवी अगर चलती है। हालांकि कोई मैंने ऐसी कोई पूरी मूवी नहीं देखी है। आप लोग अगर साउथ साइड से हो तो कमेंट करके बताओ कि कोई ऐसी मूवी है जिसका भाई मैं देखते ही फैन बन जाऊँ, कोई ऐसी मूवी बता दो भाई, क्योंकि बहुत सारी हैं जो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे को उस साइड की मूवी की इतनी नॉलेज नहीं है। स्टिल अगर आप लोग उस साइड से हो तो कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई यार अभी मैंने खाली तीन मूवी देखी है और तीनों इतनी खतरनाक है, तो कमेंट करके बताओ कि कोई ऐसी मूवी है भाई जो मतलब लोगों ने देखी हो मुझे पता ही ना हो, भाई मैं कहाँ जी रहा हूँ अभी, तो जल्दी से कमेंट करके बताना। बाकी गुड बाय, टेक केयर, मिलूंगा मैं अब आपको अपने अगले रिएक्शन वीडियो में या फिर व्लॉग में, क्योंकि रिएक्शन तो मैं आज लेके आ गया क्योंकि 30,000 सब्सक्राइबर हुए हैं इसलिए, अदरवाइज आप लोग मेरे को व्लॉग में ही देखने के लिए मिलते हो। और गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज। मैं उल्टा बोल रहा हूँ और मुझे नहीं पता मैं कौन से नशे में बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे व्लॉग में देखने के लिए मिलते, इवन मैं आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलता हूँ ये बोल रहा था। हालांकि मैं कुछ भी एडिट नहीं करूँगा आज, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैं कितना थका हुआ हूँ आज और रिएक्शन स्टिल में डाल रहा हूँ, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, अपने ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बहुत सारी बीमारियाँ
चल रही है हमारे आसपास, कभी कोविड की वेव 1 आ जाती है, कभी 2, कभी 3, या वेव ही होश नहीं ले रही, तो हमें होश में आना पड़ेगा। तो सारे भाई होश में है, सबने वैक्सीनेशन आई होप के सबकी हो ही चुकी है, ऑलमोस्ट सबने लगवाई ली है, इसलिए कोविड जो है इतना फैलने से अभी हमारा बच गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन हो चुकी थी। बहुत बढ़िया, और काफ़ी प्राउड भी फील होता है इंडिया पे कि यार इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी आबादी वाले देश में सबको वैक्सीनेशन लग जाना बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने यहाँ पे। तो गुड बाय, टेक केयर, बस यही, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाकी तो हम हैं यहाँ पे, मजे लेते रहेंगे। बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।